नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सबका ऑल इंडिया न्यूज़ 24 में। तो आज देखिए दोस्तों, हम पहुँचे हैं मुबारकपुर बस स्टैंड पर और यहाँ दोस्तों मैं वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अभी जो है सफेदी के कार्य किए जा रहे हैं और ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों आज की, और अगली वीडियो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगी बस स्टैंड की। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये है मुबारकपुर बस स्टैंड का फ्रंट और यहाँ पर दोस्तों किए जा रहे हैं सफेदी के कार्य, और ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों आज की। मैं काफ़ी दिन से देख रहा था कि इस न्यूज़ को लेकर के आऊँ, लेकिन अभी दोस्तों जो है यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से इसके ऊपर सारी तरफ जो है सफेदी कर दी गई है। आगे का ये फ्रंट है और पीछे का भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल जो है पुट्टी भरी जा रही है दीवारों के अंदर, यानी POP की जा रही है। तो ये फिनिशिंग बहुत अच्छी है दोस्तों, और यहाँ पर ये देखिए भाई साहब जो है काम के ऊपर लगे हैं। हम उनसे पूछ करके वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कोई कमेटी का मेंबर दोस्तों यहाँ पर मौजूद नहीं है, पूछना पड़ता है दोस्तों, और इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेंगे हम। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है तमाम काम जो है धीरे धीरे अब प्रगति की तरफ बढ़ते हुए, फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ते हुए, और यहाँ पर दोस्तों ये जो सफेदी की जा रही है उसकी एक झलक मैं आपको आज दिखाऊँगा। यहाँ पर पत्थर वगैरह देखिए दोस्तों लगा दिया गया है, टाइलें वगैरह लगा दी गई हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दोस्तों इस बस स्टैंड को यहाँ पर दी जा रही है, ये देखिए। और यहाँ पर मैं एक व्यू आपको दिखा देता हूँ, जो टाइलें लगाई गई हैं इस तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइलें लगा दी गई हैं, उस तरफ भी लगा दी गई हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। और इस तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाया गया है ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्यारा है दोस्तों। और यहाँ पर बीच में देखिए दोस्तों, यहाँ से हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर पत्थर वगैरह लगाया गया है, ये हैं सीढ़ियाँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर कामों को जो है किया जा रहा है। और हम प्रशंसा करते हैं दोस्तों मुबारकपुर की कमेटी की और MLA साहब की, जो ये काम दोस्तों इन दोनों के सहयोग से यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। और जनता को दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सालों बाद सुविधा मिलेगी बस स्टैंड की, तो काबिले तारीफ़ है दोस्तों। जितनी तारीफ़ यहाँ पर MLA साहब की और कमेटी की जाए, मुबारकपुर की दोस्तों कम है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इस तरफ भी पत्थर लगा दिया गया है, टाइलें इस तरफ लगाई गई हैं। तो ये है दोस्तों टाइलों की यहाँ पर फिनिशिंग, जो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। तो अंदर चलते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों, इसके अंदर की तरफ जो है पत्थर लगाया गया है, सारा बहुत ही अच्छी तरह से लगाया गया है और बराबर कर दिया गया है पत्थर को दोस्तों। यहाँ देखिए ये नीचे की झलक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पत्थर वगैरह लगा दिया गया है, और यहाँ पर पूरा एक व्यू जो है बहुत अच्छी तरह से दोस्तों आप लोग देखिए। और पीछे की तरफ भी मैं आपको ले जाऊँगा, ये है दोस्तों कमरा, ये कमरा भी दोस्तों तैयार है। और इस तरफ देखिए, वहाँ पर ये जो सफेदी कर रहे हैं भाई साहब, इनका सामान वगैरह पड़ा है, कूड़ी वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल की वायरिंग अभी करनी बाकी रह गई है, तो इलेक्ट्रिकल की वायरिंग भी दोस्तों जल्द हो, यही हम चाहते हैं और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी दोस्तों इस बस स्टैंड को जो है जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा और जनता के लिए दोस्तों ये बस स्टैंड खोल दिया जाएगा। काफ़ी सालों बाद दोस्तों लोगों को यहाँ पर सपना ही साकार हुआ है बस स्टैंड का। तो यहाँ पर ये जो हमारे भाई साहब हैं कार्यगिरी करते हुए अपनी सफेदी की, यहाँ पर सफेदी को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है देखिए। और काम की जो प्रगति है दोस्तों, यहाँ पर कम से कम 4 बंदे लगे हुए हैं, जल्दी काम को निपटाया जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों इस बस स्टैंड का उद्घाटन कब होता है यहाँ पर। ये काम को करते हुए हमारे जो है कारीगर साहब हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों सफेदी को कर रहे हैं ब्रशों के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, और यहाँ पर जो फिलिंग की गई है वो भी फिनिशिंग के हिसाब से पूरी तरह से परफेक्ट की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा व्यू मैं पीछे का भी आपको दिखाता हूँ, तो अभी मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो रंग रोगन वगैरह सफेदी वगैरह के डिब्बे पड़े हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। काफ़ी सालों बाद यहाँ पर मुबारकपुर के अंदर इस बस स्टैंड का जो है निर्माण किया जा रहा है, और जनता भी काफ़ी खुश है दोस्तों, हम लोग भी काफ़ी खुश हैं, और तारीफ तो बनती है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं पीछे की तरफ और वहाँ देखते हैं, ये कमरा है दोस्तों, थोड़ा सा अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ कमरे का जो व्यू है। यहाँ पर जो ये कमरा बनाया गया है दोस्तों, बैठने के लिए बनाया गया है, जो स्टाफ के बंदे यहाँ पर बैठेंगे। तो थोड़ा हम पीछे की तरफ चल के देख लेते हैं दोस्तों, पीछे की तरफ किस तरह का व्यू दिखाई देता है। सामने का तो मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए दोस्तों ये है साइड, और यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी अच्छा व्यू है। और इस तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ये लैट्रिन बाथरूम है, या पर कुछ और हो सकता है दोस्तों, लगता है लैट्रिन बाथरूम भी है। ये छोटा सा व्यू देखिए, यहाँ से दोस्तों हम चलते हैं पीछे की तरफ,
और पीछे की तरफ देखते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पर काम जो है किया गया है। तो ये देखिए, ये है पीछे का फ्रंट जो मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाया था, अब दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब दिखाता हुआ दोस्तों अच्छा लगता हूँ लगता अच्छा उस वक्त भी था, लेकिन मैं पीछे की तरफ आया नहीं। तो ये है दोस्तों पीछे का व्यू, तो काफ़ी बेहतरीन बस स्टैंड है दोस्तों, काफ़ी बड़ा है और जनता दोस्तों यहाँ पर धन्यवाद दे रही है MLA साहब को, और मैं भी देता हूँ MLA साहब को धन्यवाद, और जनता दोस्तों यहाँ पर कमेटी को भी धन्यवाद दे रही है, मैं भी धन्यवाद देता हूँ दोस्तों कमेटी को। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी अपडेट आप सभी को पसंद आएगी। और ये पीछे की तरफ विंडो दोस्तों निकाली गई हैं, यहाँ पर देखते हैं खिड़की वगैरह लगाई जाती हैं या फिर ऐसे ही रहती हैं ये। तो ये एक छोटी सी अपडेट है दोस्तों जो मुबारकपुर के बस स्टैंड को लेकर के है, और आशा करता हूँ दोस्तों ये अपडेट आप सभी को पसंद आएगी। तो बहुत जल्द दोस्तों एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।